हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंडवर देतीमन। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया है। 20 कस्तूरबा विद्यालयों की बात करेंगे इस वीडियो में हम, जहां से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सारी चीजें हम ऑथेंटिक साइट पर जाकर कम्प्लीट नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। कैसे आप अप्लाई करोगे, तो सारी चीजें डिटेल में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कोई एग्जाम, कोई झंझटबाजी नहीं है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा, केवल क्वालिफिकेशन के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और आपका होगा सिलेक्शन। सैलरी जो है वो आपको 22,000 जो है यहाँ पर मिलने वाली है। निशुल्क आवेदन आप लोगों को करना होगा। यदि आपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दिया तो आप लोगों को 1 साल तक का वेट और करना होगा। तो यहाँ सबसे पहली जो वैकेंसी हम बात करेंगे, जिला अलीगढ़ से आई है। दूसरी वैकेंसी जो है वो सहारनपुर से आई है और तीसरी जो है वो गोरखपुर से आई है। तो यहाँ पर डेट जो है वो एक वैकेंसी की जो है वो 5 अगस्त है लास्ट डेट, और दूसरी वैकेंसी की जो है वो 2 अगस्त लास्ट डेट है। तो चलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो वैकेंसी है जहां पर 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जहां पर जगहों के नाम दिए हैं, गंगीरी, अतरौली, बिजोली, नगर क्षेत्र, अकराबाद, चंडोज, धनीपुर, गोंडा, इगलास, जवां, खैर, लोथा और टप्पल, यहां से वैकेंसी आई है। तो यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट की जो है वो वैकेंसी है, तो यहां पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ की, साइंस, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विषय और अंग्रेजी विषय की यहां पर जो है वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और ये आवासीय विद्यालय है, रेजिडेंशियल स्कूल है, तो सभी फैसिलिटी आप लोगों को यहीं पर मिलेगी, यहीं आपका रहना होगा और इसके साथ में आप लोगों को 22,000 रुपए जो है वो सैलरी भी मिलेगी। तो बहुत अच्छा चांस है ये, आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिलता है, साथ में सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैथ के लिए कहा गया है कि आपने ग्रेजुएशन में जो है वो इस सब्जेक्ट को पढ़ा हो, आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ में उच्च प्राथमिक स्तर की टेट यहाँ पर डिमांड की गई है सभी सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर सामाजिक विषय में अगर हम देखें तो भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, इन तीनों में से एक जो है वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, बीएड हो और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट, ठीक है, सी टेट जो अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती है। अंग्रेजी के लिए भी जो यही कहा गया है। इसके अलावा उर्दू शिक्षिका के लिए भी जो है कहा है, बीए जो है आपने उर्दू विषय से किया हो और साथ में आपके पास जो है वो बीएड की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हाफ टाइम के लिए भी जो है टीचर्स को रखा जाएगा, जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो इनको भी घर जाने को जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर है, फिजिकल एजुकेशन, स्काउट गाइड है, कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प है, तो इनकी जो सैलरी है वह है 9800। बाकी जो पूर्णकालिक शिक्षिका की है तो उनकी 22,000 है। इसके अलावा मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, ये सभी महिलाएं ही रहेंगी। 8th उत्तीर्ण है, अगर आपने 8वीं पास कर रखी है और तो आपको यहाँ पर सैलरी जो है वो यहाँ मिल रही है 6900 रुपये मिल रही है मुख्य रसोईया को। उसके अलावा 5175 सहायक रसोईया को, चपरासी, चौकीदार को जो है 5750 यहाँ मिल रहे हैं। और सभी विषयों के लिए एज इन्होंने कहा है कि समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2023 को 25 वर्ष जो है वो मिनिमम और अधिकतम जो है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। अब सिलेक्शन जो है वो आप लोगों का कैसे होगा, तो आपके हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, स्नातक के और आपके प्रशिक्षण यानी बीएड के, इनके जो है वो मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर किसी ने पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य का अनुभव लिया है तो उसके भी मार्क्स जो है वो उसको यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 अंक जो है वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और अधिकतम अंक जो है वो 30 तक जो भी इन्होंने यहाँ पर उनको मिला हो। इस तरीके से जो है वो आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगी। अब यहाँ एप्लीकेशन आप लोगों को कैसे करना है, जल्द कर देना है क्योंकि ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। अगर आपने ये मौका छोड़ दिया और आपने अपने जिले को छोड़ दिया तो आगे आप लोगों को 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। यहां पर जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है मिलेगा, वेबसाइट जो है ये रही आप लोगों की aligarh.nic.in, ठीक है। तो इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र जो है 2 अगस्त को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र, लोधा, भीमानगर, टीवीएस शोरूम के सामने वाली गली, सूत मिल चौराहा, अलीगढ़, केवल स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर डाक से ही आप लोगों को भेजना है। अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं साथ में जो ये लास्ट में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इसको आप जो है वो फिल कर लेंगे और इस पते पर जो है वो आप लोगों को भेज देना है, ठीक है। कोई भी आपकी यहाँ फीस नहीं लग रही है, लेकिन 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। तो डाक टिकट तो आपका लगेगा ही, ठीक है। तो आप लोग जितने भी मार्कशीट है उनकी फोटोकॉपी, अपनी फोटो और एप्लीकेशन फॉर्म
ठीक है। और उसके अलावा जो है आप लिफाफे के ऊपर जो है ये जरूर लिखें कि आप जो है किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो है वो नाम भी जरूर लिखना है। दूसरी जो मैंने वैकेंसी बताई है वह है सहारनपुर से, जनपद सहारनपुर से है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को जो है इसी के नीचे, इसी पीडीएफ फाइल के जो नोटिफिकेशन है उसी के नीचे पीडीएफ फाइल में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है 9 कस्तूरबा विद्यालयों से वैकेंसी है। शैक्षिक योग्यता आयु सीमा वही मैंने आप लोगों को सारी चीजें जो है हर जगह एक ही है, कोई भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आप लोग अगर एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पर भी जो है यही लिखा गया है कि पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से आप लोग भेजें, 5 अगस्त तक भेजना है आपको सहारनपुर वाले जिले की जो वैकेंसी है। रिक्तियों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है, ठीक है। ये जो है वो आपका लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। तो यदि आप अपने जिले की जो है वो चेक करना चाहते हैं कि वहां पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो है वो वैकेंसी आई है या नहीं आई है, या फिर लास्ट डेट जो है वो इसकी कब रहने वाली है, तो उसके लिए आप गूगल कर लें। आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा saharanpur.nic.in। जैसे ही आप ये लिखेंगे गूगल पर या आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आप उसका नाम लिखें, उसके बाद लिखें .nic.in, तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर ढूंढे थोड़ा सा, थोड़ी सी जो है वो मेहनत करनी होगी, और यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ वर्ड्स न्यू में लिखा है या न्यूज में लिखा है या नोटिफिकेशन में लिखा है, नोटिफिकेशन में आप चेक करें डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस सहारनपुर, ठीक है। तो आप इसको जो है वो क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा सहारनपुर का। इसी तरीके से आप गोरखपुर का भी देखें, क्योंकि गोरखपुर जिले की भी अभी लास्ट डेट नहीं निकली है, ठीक है। इन सभी नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हो। और भी वैकेंसी यदि मुझे पता चलती है मैं आप लोगों को समय से पहले बताऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।